अभी तक जो हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी करा था वहाँ पे हमने एक्सेस यूज़ की थी, और एक्सेस के साथ साथ हमने वहाँ पे एक्सेल यूज़ किया था। लेकिन देखो डॉटनेट के अंदर जो मोस्टली हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है या जो हमें करना होता है वो होता है सिक्वल सर्वर। तो हमें यहाँ पे सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है। ठीक, अभी मुझे यहाँ पे सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले हम बात ये करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिक्वल सर्वर मुझे इंस्टॉल करना होगा। आप सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो करके आप इंस्टॉल कर ले, तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और मैं इसे ओपन करता हूँ। चाहे जिस वर्सन का आपका पास सिक्वल सर्वर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आता हूँ। ये बेसिकली सिक्वल सर्वर का वर्किंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आके आप सिक्वल सर्वर में काम कर सकते हो। तो पहले आपको सिक्वल सर्वर डाउनलोड करना होगा, सिक्वल सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो लिख के उसको स्टार्ट करोगे। अभी मैं पहले आपको सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी बता देता हूँ, सारा काम करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे, इन चीज़ों का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा सर्वर टाइप है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है, इन सब में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सर्वर नेम आ रहा है ना यहाँ पे, इसको यही रहने दो, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ चूंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कनेक्ट। हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टम में ये आ ना रहा हो, नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे डॉट लिख देना और डॉट लिख के आगे बढ़ जाना, या फिर यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देना, लोकल होस्ट लिख के आगे बढ़ जाना। ये आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यदि ये नहीं आ रहा हो तो दिक्कत आती है फिर। अब ये हमारा सिक्वल सर्वर है। सिक्वल सर्वर के अंदर में यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। देखो जो हमारा सिक्वल सर्वर होता है कई सारे डेटाबेसेस को मिलकर बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक अपना डेटाबेस बना लेता हूँ। मैं करता हूँ राइट क्लिक और मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस के अंदर तुम मल्टीपल टेबल डाल सकते हो, है ना। सिक्वल सर्वर के अंदर हमारे डेटा कहीं भी, मतलब यहाँ पे हमें, तो डेटाबेस का नाम मैं मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम टेस्ट डाल दिया, और टेस्ट डालने के बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये हमारा डेटाबेस है। अब डेटाबेस के अंदर आप क्या करोगे, टेबल क्रिएट करोगे। तो सबसे बेहतर तरीका यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू क्वेरी। मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू क्वेरी। जैसे ही आप न्यू क्वेरी करोगे तो ये क्वेरीज विंडो ओपन करके दे देगा, और मैं यहाँ पे अपना क्वेरीज लिखता हूँ जो भी मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, मैं बोलता हूँ क्रिएट क्रिएट टेबल ईएमपी, और ईएमपी टेबल के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इम्प्लाई नंबर इज ऑफ टाइप इंट कॉमा। अब मैं और इसे मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। जब भी टेबल बनाओ तो कम से कम एक प्राइमरी की जरूर डाल दो। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की बना देता हूँ, मैं यहाँ पे इसे एक प्राइमरी की डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्प्लाई नेम इज ऑफ टाइप वैर कैट टू वैर कैर ऑफ 20, और अगेन मैं यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ, सैलरी इज ऑफ टाइप इंट, और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और मतलब सेलेक्ट करके मैं इसको रन कर देता हूँ। तो हमारे टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर मैं कुछ रिकॉर्ड डाल देता हूँ कि फर्दर मैं इसको यूज़ कर सकूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ वैल्यूज एम्प्लाई नंबर, और जो भी हमारा एम्प्लाई का नाम है वो नाम डाल दो, और जो भी हमारी सैलरी है वो यहाँ पे सैलरी डाल दो। तो जो भी आपको यहाँ पे डालना है डाल दो, और इस तरह के कई सारे रिकॉर्ड डाल दो जिससे कि डेटा हमें दिखना चाहिए कुछ आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे एक साथ कई सारे रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ बोल देता हूँ टू, मैं यहाँ बोल देता हूँ थ्री, मैं यहाँ बोल देता हूँ फोर, मैं यहाँ बोल देता हूँ फाइव। एक बात ध्यान रखना, जब तुम क्रिएट कर रहे हो इंसर्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखना यहाँ पे टेस्ट वन सेलेक्टेड रहे। पता लगा कई बार कोई दूसरा डेटाबेस आ जाता है तो तुम काम कहीं और कर रहे हो, चला गया कहीं और। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है जिसमें तुम्हें डालना है वो हमारा कनेक्टेड रहे। और यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ बी, मैं यहाँ बोल देता हूँ सी, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ डी, मैं यहाँ बोल देता हूँ ई, और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और ये रिकॉर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया। अवधि मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और यदि मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ तो ये डेटा हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अब हमारा काम क्या है कि मुझे सिक्वल सर्वर में कनेक्ट करना है, कनेक्ट यहाँ से करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस के नाम की जरूरत होगी जो कि हमारा टेस्ट है, टेबल की जरूरत होगी जो कि हमारा ईएमपी है, और जब आप कनेक्ट करोगे तो मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये जो सर्वर का नाम है। तो
तो मैं इस सर्वर नेम को उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो ऑथेंटिकेशन मोड है इसमें विंडोज ऑथेंटिकेशन और सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन है। आप इसको विंडोज ऑथेंटिकेशन ही रहने दो, इसमें ये यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो मैं तो यहाँ पे आता हूँ मैं, तो अब मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहला काम, जब आप सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी करोगे तो आपको यहाँ पे लेना है नेम स्पेस। कौन सा नेम स्पेस? तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिक्वल कनेक्शन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिक्वल कनेक्शन। और किससे कनेक्ट होना है? मैं यहाँ बोलता हूँ सिक्वल कमांड, ऑब्जेक्ट ले लो वाई, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिक्वल डेटा रीडर, सिक्वल डेटा रीडर। अब मैं यहाँ बोलता हूँ जेड, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू न्यू सिक्वल कनेक्शन, और मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ सर्वर का नाम। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ बोलता हूँ डेटा सोर्स, डेटा जो आएगा वो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे आपको ये नाम देना है जो तुमने सिक्वल सर्वर में दिया था, ठीक है। तो ये नाम जो है हमारा यहाँ पे, ये जो नाम है हमारा, ये नाम लेके आपको यहाँ पे देना है, ठीक। ये नाम लेके यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मिनट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स के अंदर मैं ये डालता हूँ जो वहाँ पे तुम्हारा सर्वर नेम था। ध्यान रखना यहाँ पे चूंकि स्लैश है तो या तो डबल स्लैश लगाओगे, नहीं तो यहाँ पे एट द रेट लगाओगे, ठीक, नहीं तो वो कुछ और समझ लेता है इसको, सेमी कॉलन। अब मैं यहाँ पे देता हूँ इनिशियल कैटालॉग। इनिशियल कैटालॉग का मतलब आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम था वो क्या था? टेस्ट, सेमी कॉलन। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, अब यहाँ पे देना है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में हमें यहाँ पे देना है, या तो हम यहाँ पे ट्रू लिख दें, लेकिन मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ SSPI। तो अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो हमारा डेटा सोर्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये सर्वर का नाम है, सर्वर का नाम आपको ये देना है, आपके सिस्टम में जो नाम होगा वो देना है। दूसरी चीज मैं यहां पे दे रहा हूं इनिशियल कैटालॉग, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, ये देखो। तीसरी चीज मैं यहां पे दे रहा हूं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू SSPI, क्योंकि मैं यहां पे विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में काम कर रहा हूं, मैं यहां पे विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में काम कर रहा हूं, ये देखो यहाँ पे मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में काम कर रहा हूँ। अदरवाइज यदि मैं यूजर ऑथेंटिकेशन मोड में काम करूँ तो मुझे यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा, तो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड देने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन में काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू SSPI। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है, और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कमांड हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब यदि मैं इसे रन करूं तो देखो ये अच्छी चीज़ है, मतलब पूरा कोड एक बार में लिखने की जरूरत नहीं है। आप दो लाइन लिख रहे हो, चार लाइन लिख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हो गया है, तो ब्रेक पॉइंट लगा दो। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद आप उसको चेक कर सकते हो कि भाई चलो मेरा इतना काम हो गया, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता लगा हमने 50 लाइन का कोड लिख लिया और कनेक्शन में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम परेशान हो रहे हैं। तो दो दो तीन तीन लाइन लिखते चलो और उसको एग्जीक्यूट करते चलो, और इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, F10। अब मैं यहाँ पर करता हूँ F10, ये देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये कोड हमारा परफेक्टली कनेक्ट हो चुका है ये सिक्वल सर्वर से। अब फिर आपको वही काम करना है जो आप उस दिन कर रहे थे, कुछ नहीं करना, जहाँ तुम ओलेडीबी 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 कर रहे थे वहाँ सिक्वल 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 करना है।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बोलना है वाई इज इक्वल टू न्यू सिक्वल कमांड। अब मैं आप बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी कॉमा, किस कनेक्शन पे काम करेगा, इट विल वर्क ऑन द एक्स कनेक्शन। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड इज इक्वल टू वाई डॉट एग्जीक्यूट रीडर, इसको एग्जीक्यूट करवा दो। अब जो हमारा डेटा है वो किस में आ गया, जेड में आ गया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ वाइल जेड डॉट रीड, जब तक यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो तब तक उसको रीड करो, और रीड करने के बाद उस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ जेड का क्या लेना है, यहाँ पे इम्प्लाई नंबर लेना है डॉट टू स्ट्रिंग, इम्प्लाई नंबर ले लिया। प्लस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जेड का कॉलम नंबर, आप नंबर भी डाल सकते हो, हम बोलते हैं कॉलम वन, कॉलम वन 0 1 2 होता है ना, तो ये वन का मतलब सेकेंड कॉलम। तो अब मैं यहाँ बोलता हूँ टू स्ट्रिंग, ये आपने यहाँ पे डाल दिया। प्लस यहाँ पे सैलरी भी लेनी है वो भी ले लो। प्लस मैं यहाँ बोलता हूँ जेड का, तो जेड का मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ टू डॉट टू स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग डाल देता हूँ टू स्ट्रिंग। कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवा रहे हो तो उसमें टू स्ट्रिंग लगा दिया करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, क्योंकि देखो इसका जो रिटर्न टाइप होता है सबका अलग होता है, तो मैसेज बॉक्स में ना टू स्ट्रिंग लगा ही दिया करो। अब यहाँ पे डेटा आ गया, एंड फाइनली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्स डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज करता हूँ, और हो गया जी हमारा प्रोग्राम तैयार। 4 लाइन का कोड है, ये वही कोड है जो तुमने पिछले सेशन में करी थी एडीओ में वो एमएस एक्सेस के साथ। केवल अंतर यहाँ पे ये आ रहा है कि अब मैं ओलेडी भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सिक्वल। ये देखो ये जो डेटा आ रहा है हमारा, ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो आ गया। तो पहली चीज़ सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है तो हमें जब कभी भी हमें यहाँ पे काम करना हो तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। ठीक, ये जो कोड है ये आप लोग चाहे लिख के याद कर लो, रो के याद कर लो, हंस के याद कर लो, पढ़ के याद कर लो, जैसे भी याद कर लो, पूरी जिंदगी .NET के अंदर यही कोड लिखना है। कई लोग बोलेंगे नहीं अब ये यूज नहीं होता, ADO.NET नहीं चलता है। देखो याद रखना कई सारी चीज़ें होती हैं कनेक्टिविटी के लिए, सबसे पॉपुलर यही है और अल्टीमेटली हमें यही करना होता है। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, और जब अंदर जाके देखोगे प्रोजेक्ट में तो यही यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे कनेक्टिविटी करना है। पहला काम ये करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करना है और अपना काम करना है। अभी जो तुमने यहाँ पे कनेक्टिविटी करी है, इसमें तुमने कमांड और डेटा रीडर यूज़ किया है। इन द प्लेस ऑफ कमांड व्हाट वी कैन यूज डेटा एडेप्टर, हम डेटा एडेप्टर यूज कर सकते हैं, और डेटा को रखने के लिए मैं यहां पे यूज कर सकता हूं डेटा टेबल। मैं यहां बोलता हूं डेटा टेबल, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे सिक्वल कमांड की जगह मैं यहां पे क्या डाल देता हूं, मैं यहां पे डाल देता हूं सिक्वल डेटा एडेप्टर, सिक्वल डेटा एडेप्टर, और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ न्यू डेटा टेबल, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना लो, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे वाई डॉट फिल, फिल करवा दो। किसको फिल करवा दोगे, जेड को। अब जो हमारी डेटा है वो किस में आ गई, जेड में आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन, अब मैं यहाँ बोलता हूँ जेड डॉट रोज डॉट काउंट, रोज डॉट काउंट सेमी कॉलन, अब मैं यहाँ बोलता हूँ आई प्लस प्लस, हो गया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखानी है तो आप यहाँ पे कैसे दिखाओगे, हम बोलते हैं जेड डॉट रोज ऑफ आई, और आई के रो में कौन सा कॉलम, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड डॉट, मैं यहाँ बोलता हूँ जेड डॉट रोज ऑफ आई, रोज ऑफ आई, और आई के रो में कौन सा कॉलम, आई के रो में कौन सा कॉलम, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कॉलम का नाम जी हमारा इनर। मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ काम करने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड डॉट रोज, और कौन सा रो, तो मैं यहाँ बोलता हूँ आई, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉलम, कौन सा कॉलम, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जी सैलरी, ले लिया मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दिया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू स्ट्रिंग, और यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे रन करूँ
अब यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम आ गई, सेल डज नॉट बिलोंग्स टू द टेबल, कुछ यहाँ पे दिक्कत आ गई बेचारे को। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सेल हमारा टेबल में नहीं है, ऐसा तो है नहीं। सेल सैलरी ये डाल रखा है आपने, तो ये ध्यान रखना होता है कि टेबल में क्या है और यहाँ क्या है। रन कर, ये देखो ठीक। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करा, यहाँ पे आपने यूज़ करा डेटा टेबल, डेटा एडेप्टर और डेटा टेबल। तो मतलब डेटा को लेने के लिए टेबल से, चाहे मैं वैसे कर लूँ चाहे ऐसे कर लूँ। इसके जगह मैं एक चीज़ और यूज़ कर सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। अब जहाँ पे तुमने डेटा टेबल लगाया है ना, यहाँ पे ले लो डेटा सेट, और ये जो डेटा सेट है हमारे, यहाँ पे डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बना लो, डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बना लो। अब मैं बोलता हूँ वाई डॉट फिल, फिल कर दो। किस में फिल करोगे भाई, जेड में फिल करोगे। अब तुम्हें यहाँ पे लिखना है जेड डॉट टेबल, कौन सा टेबल, तो मैं यहाँ बोलता हूँ जीरो टेबल। उस टेबल के अंदर जो रो है, सभी जगह आपको ये डालनी पड़ेगी, क्या जेड डॉट टेबल, टेबल कौन सा, जीरो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड डॉट टेबल जीरो, ठीक। अगेन मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, जेड डॉट टेबल ऑफ जीरो। अगेन मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे हम टेबल जीरो दे रहे हैं तो टेबल वन भी दे सकते हैं। मतलब ये कि भाई डेटा सेट का यूज करके, रन करते हैं पहले फिर बात करते हैं। ये देखो ये भी वही काम कर रहा है जो डेटा टेबल कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स में अंतर आ रहा है यहाँ पे। अब तुम बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, पहले वाला ही ज़्यादा अच्छा था। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा टेबल बनाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक EMP1 टेबल बनाता हूँ, ठीक। मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, हो गया। और मैं यहाँ पे EMP1 में इंसर्ट करता हूँ, EMP1 में इंसर्ट करता हूँ, EMP1 में इंसर्ट करता हूँ। अब जरा आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नंबर चेंज कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे, जिससे आपको पता लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक। और मैं इन सबको इंसर्ट कर देता हूँ। अब जरा गौर से देखो, मेरे पास दो टेबल है, एक EMP है और एक EMP1 है। गुरुजी ये जो डेटा सेट है ना, इसका फायदा ये है कि आप लोग यहाँ पे मल्टीपल टेबल एक बार में डाल सकते हो। ये देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सेमी कॉलन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। देखो ये खासियत होती है डेटा सेट की। अब मैं यहाँ पे डेटा सेट में फिल करवा रहा हूँ, ये मैं पहला रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। अब मुझे मान लो दूसरे टेबल से रिकॉर्ड दिखाना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड डॉट टेबल ऑफ वन, वन का मतलब ये वाला। अब मैं यहाँ पे वन लगा देता हूँ, कॉलम तो हमारे सेम ही है, तो मैं यहाँ पे कॉलम वन कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेटा सेट का फायदा ये है कि तुम एक बार में यहाँ पे मल्टीपल टेबल को से डेटा उठा सकते हो। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो, तो डेटा सेट का यूज करके वी कैन पिक द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल। आप यहां पे मल्टीपल टेबल से डेटा उठा सकते हो। ये देखो ये पहला टेबल से डेटा आ रहा है, और ये देखो अब ये दूसरे टेबल से डेटा आ रहा है। तो ये अंतर होता है डेटा सेट एंड डेटा टेबल में। मैं आऊंगा डिटेल में, अभी आप ये समझते चलो कि काम कैसे करना है, बाकी थ्योरेटिकल चाहिए तो हम कर ही लेंगे। तो हम यहाँ पे डेटा सेट लेते हैं या डेटा टेबल लेते हैं, डेटा सेट का ये फायदा है। अब तुमने यहाँ पे सेलेक्ट करवा के दिखा दिया, भाई सेलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा दिया। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो कि जो तुम्हारा डेटा है इसको उठा के ग्रिड में डाल दो। अब मैं यहाँ पे चाहे चलो एक काम कर लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में आता हूँ, और टूल बॉक्स में मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। ये राज हमारे टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, अगेन हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल बी, और मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, और डेटा सेट अब मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई डेटा सेट हो गया, मैंने आपको बता दिया डेटा सेट का यूज़ किया। तो मैं डेटा टेबल वाला एग्जाम्पल जो है वही ले लेता हूँ, मैं डेटा टेबल ही यूज़ कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पे डेटा सेट नहीं लेता, अब डेटा टेबल ले लेता हूँ, चूंकि डेटा सेट में कोड लंबा हो जाएगा फालतू में। अब मैं यहाँ पे डेटा टेबल ले लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो डेटा है हमारा वो टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। भाई आपके जेड में तो डेटा आ ही चुका है, अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब मैं बोलता हूँ जेड डॉट रोज। कौन सा रो? फर्स्ट टाइम तो जीरो रो से ही डेटा आएगा, और कौन सा कॉलम? जीरो कॉलम, डॉट टू स्ट्रिंग ले लिया, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम का डेटा हमारा टेक्स्ट बॉक्स वन में आ गया। अगेन हमारा डेटा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टू में आ गया, अगेन हमारा डेटा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स टू में आ गया, अगेन हमारा डेटा टेक्स्ट बॉक्स थ्री में आ गया। और मैं यहाँ पे वन कर देता हूँ, इसको टू कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि अब कहानी है क्या। कितनी अच्छी बात है, तुमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और अब जो हमारा डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन पहला रिकॉर्ड आ रहा है। मैं अगला रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ भाई नेक्स्ट रिकॉर्ड भी आ जाए, तो यहाँ पे एक बटन ले लो, मैं बोल देता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे एक बटन ले लो, मैं बोल देता हूँ प्रीवियस, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी में आता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट, और मैं इसके प्रॉपर्टीज में भी आता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रीवियस। अब मैं चाहता हूँ जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ जाए, और प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो प्रीवियस रिकॉर्ड आ जाए। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे कोड करता हूँ, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्या बोलोगे? तो मुझे यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वही तो बढ़ानी है, अभी यहाँ पे कौन सा रो ले रहे हो तुम? जीरो, इसी को तो चेंज करना है मुझे, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जीरो की जगह वन होना चाहिए। तो एक काम करो ना, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, हम बोल देते हैं int c इज इक्वल टू जीरो ले लिया, और यहाँ पे c बढ़ा दो, c पास कर दो, यहाँ पे c ले लो, यहाँ पे भी c ले लो, हो गया तो जीरो आ गया, और यहाँ पे कर दो c इज इक्वल टू c++ ले लिया, और यहाँ पे भी c डाल दो तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये देखो। और यही माइनस पे भी मैं यहाँ पे प्रीवियस पे कर देता हूँ तो प्रीवियस पे भी कोड यही होगा, लेकिन वहां पे आपको क्या करना होगा? माइनस माइनस करना होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस माइनस। अवधि मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे देखो मैंने दोनों बटन के क्लिक पे लगभग वही कोड लिखा, एक में प्लस प्लस करवाया, एक में माइनस माइनस करवाया। अवधि मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा बाय डिफॉल्ट, और फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद ये देखो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, ये देखो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। अब ये क्या, ये तो एरर आ गई भाई, ये एरर ये इसलिए आ गया क्योंकि पाँचवें के बाद तो वहाँ कोई रिकॉर्ड है ही नहीं ना। अब यदि मैं यहाँ पे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊँ तो कहीं ना कहीं तो वही एरर देगा वो, क्योंकि तुम तो बढ़ाते जा रहे हो, ये देखो अब प्रीवियस ये रहा। लेकिन यहाँ पे समस्या है, जब लास्ट में जाएगा तब एरर आएगी, और यदि मान लो किसी ने प्रीवियस में शुरू में ही प्रीवियस कर दिया तो वहाँ भी एरर आएगी, तो मुझे इन दोनों को हैंडल करना होगा ना, लास्ट एंड प्रीवियस वाले को, कि भाई फर्स्ट से ऊपर क्या होगा। मान लो यहाँ पे मैं प्रीवियस कर दूँ तो एरर आनी है, देर इज़ नो रो एट पोजिशन -1, सो मुझे इसको भी हैंडल करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जेड डॉट रोज डॉट काउंट काउंट लेस देन इक्वल टू सी, अरे वो सी लेस देन सी, सी के बराबर है तब तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना ये करवा दो, है ना। अदरवाइज आप एक काम करो, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सी माइनस माइनस, मतलब वो एक तो आगे बढ़ चुका, अब एक आगे बढ़ चुका तो मैं माइनस माइनस करवा देता हूँ तो पुराने पे ही रुक जाएगा, और मैं यहाँ बोल देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो फर्स्ट रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड मैसेज बॉक्स डॉट सो, और मैं यहाँ बोल देता हूँ लास्ट रिकॉर्ड, तो वो जो अब एरर आ रही थी लास्ट रिकॉर्ड वाली, वो एरर नहीं आएगी, सामने वाले को पता चल जाएगा कि भैया ये लास्ट रिकॉर्ड है हमारा। अब यदि मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे, ये देखो, अरे ये क्या, कुछ गलत कोड लिख दिया हमने, हमने बोला इफ जेड डॉट रोज डॉट काउंट लेस देन, ओ उल्टा कर दिया, इफ सी लेस देन जेड डॉट रोज डॉट काउंट, अभी ये इससे छोटा है तब तो अपना ये काम करो, नहीं तो वो काम करो।
ठीक, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड पे भी चेक करना था, तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे मुझे क्या चेक करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है इफ सी लेस देन जीरो, यदि जीरो से नीचे जाता है, मैं यहाँ बोलता हूँ इफ सी लेस देन जीरो, यदि जीरो से नीचे जाता है देन आप क्या करोगे, एल्स मैं यहां पे बोल देता हूं मैसेज वॉक डॉट सो फर्स्ट रिकॉर्ड, मैसेज वॉक डॉट सो, और मैं यहां बोल देता हूं फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर मैं इसको रन करूं ये देखो, अब यदि मैं प्रीवियस करता हूं तो मैसेज आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड, यदि मैं यहां पर नेक्स्ट करता हूं ये क्या, कहीं कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस में गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है या प्रीवियस रिकॉर्ड है। अब यदि मैं यहां पर करता हूं नेक्स्ट, अब यहां पर दिक्कत आ रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मैंने यहाँ पे मैंने बोला अच्छा सी को माइनस माइनस हो गया ना, वो तो नीचे चला गया, तो सी प्लस प्लस करना होगा ना आपको, सी को बढ़ा के ही तो रखनी पड़ेगी, कम से कम जीरो पे तो रहे, माइनस पे ना रहे। तो मेरे कहने का मतलब जेड में जब डेटा हमारे पास आ जाता है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रीवियस फर्स्ट लास्ट जो भी करना है अपना अपने हिसाब से, पूरा कंट्रोल रिकॉर्ड के ऊपर तुम्हारा हो जाता है, और यहां पे जो भी अपना काम करना है आप यहां पे काम कर सकते हो। मान लो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई ये जो हमारा डेटा है ये ग्रिड में भी दिख जाए, तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं, मैं अगेन बोलता हूं डेटा ग्रिड व्यू, मैं चाहता हूं ये डेटा हमारा यहां भी दिख जाए, ठीक, यहां भी दिखता रहे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने यहां पे फॉर्म लोड, तो यहां पे कुछ नहीं करना, बस एक लाइन का आपको कोड लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, फॉर्म के लोड पे मैं लिख रहा हूं डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स में मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने यहाँ बोल दिया जेड, बस हो गया, रन करो। तो अब आपका जो डेटा है वो डेटा ग्रिड के अंदर भी आ रहा है, पहले केवल टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा था, अब हमारा डेटा डेटा ग्रिड के अंदर भी आ रहा है, ये देखो ये डेटा हमारा यहाँ भी आ रहा है, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस फर्स्ट लास्ट कर रहा हूँ, ये देखो ये यहाँ भी काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं साथ के साथ चलो एक काम करो, ये हमारा काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, फर्स्ट नेक्स्ट, मान लो मुझे यहाँ पर फर्स्ट करना होगा, फर्स्ट में डालना है तो क्या करना होगा, सी की वैल्यू जीरो कर देनी होगी, लास्ट में जाना है तो क्या करना होगा, जो उसका रो काउंट है उसके बराबर कर देंगे तो लास्ट में भी चला जाएगा। तो अब ये तुम लोग के लिए टास्क है, यहाँ पे एक फर्स्ट और लास्ट का बटन डालना है, फर्स्ट पे क्लिक करूँ तो हम कहीं भी रहें फर्स्ट रिकॉर्ड में आ जाए, लास्ट पे क्लिक करूँ हम कहीं भी रहें तो लास्ट रिकॉर्ड में आ जाए। तो ये आपका टास्क है जो आपको करना है। तो आज मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कोड है ना, इस कोड को उठा के मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आपको नोट्स में मेल कर दूंगा ये, और इस नोट्स के साथ साथ मैं आपको वीडियो भी आज बना के डाल दूंगा ये, तो वहाँ वीडियो से भी देख लेना, और ये भी कोड हमारा है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है ये फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट ग्रिड सारे कोड हैं, ये फर्स्ट भी जाएगा, ये सॉरी ये नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड प्रीवियस का कोड है, ये नेक्स्ट भी जाएगा, ये प्रीवियस भी जाएगा, और ये यहाँ पे ग्रिड के अंदर भी डेटा को शो करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो बेसिक कोडिंग है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई। आप मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आप SQL सर्वर से कनेक्टिविटी कैसे करोगे। तो सबसे पहला काम ये करना है, ये करना है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो कमांड ले लो, और कमांड लोगे तो डेटा रीडर ले लो, या फिर तुम एडेप्टर ले लो, एडेप्टर के साथ तुम या तो डेटा टेबल ले लो या डेटा सेट ले लो। मल्टीपल टेबल लेना हो तो डेटा सेट लो, नहीं तो आराम से डेटा टेबल ले लो, डेटा टेबल को लेके काम करो। अब ये करता क्या है, ये होता क्या है, मैं आगे कल बात करूंगा इसका, तो पहले आप लोग इतना कंप्लीट कर लें।